तो नए डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मेन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में अधिसूचना के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराता है। हर पंचायत में दो दो कार्य प्रसारक नियुक्ति बेल्टन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने हैं तो इच्छुक 12 पास एक वर्ष के कंप्यूटर कोर्स किए हुए 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रकाशित की जाती है। दिनांक 21 जुलाई 2022 को निगम के वेबसाइट इस लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्टर्ड अभ्यर्थी को CBT आधारित गुणवत्ता परीक्षा में सम्मिलित होना तथा सफल होना होगा। हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे बेल्टन डाटा एंट्री ऑपरेटर न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे लोग बार बार मैसेज करते जा रहे हैं एक लेटर लेके, ठीक है, एक लेटर मुझे सेंड किया जा रहा है बार बार, और ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शेयर किया है इस लेटर को। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यह लेटर फ्रेंड्स, बार बार जो ग्रुप में भेजा जा रहा, और बहुत सारे लोग मुझे भेजते हैं और बोलते हैं कि क्या ये रियल है या सच है, कि क्या सच में बेल्टन की न्यू वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग के मन में अभी भी काफ़ी हद तक यहाँ पे डर है, कहीं ना कहीं यहाँ पे डर तो होगा ही, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बेल्टन डीओ के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग बेल्टन डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ कि इस लेटर के बारे में, ठीक है, कि क्या है सच्चाई इस लेटर का। ठीक है, तो उससे पहले फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो बात करें फ्रेंड्स इस लेटर की, यह लेटर बार बार मुझे भेजा जा रहा है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो किसे मैं समझाऊं, इसीलिए मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बना लेता हूं। ठीक है, इस लेटर के बारे में, तो चलिए इस लेटर की पोल खोलते हैं। ठीक है, एक एक करके, रियल है या फेक है, क्या अंतर है, आइए जानते हैं। आप लोग को विश्वास दिलाने के लिए मैं बेल्टन ऑफिस से क्या क्या कहा गया वह भी आपको बताने वाला, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इस लेटर को अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसमें जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो बेल्टन ने किसी भी लेटर में नहीं दिया जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बेल्टन का लोगो है और हेडलाइन है, दोनों यहाँ पे कॉपी किया गया फ्रेंड्स। साथ में यहाँ पे आप वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देख सकते हैं जो लेटर में दिया गया है। ये कितना दिमाग लगाया इन सालों ने, पूरा कॉपी किया है वेबसाइट का। एक चीज़ सही है फ्रेंड्स इस लेटर में, वह है बेल्टन का हेल्पलाइन नंबर। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी गलती क्या किया है इस लेटर में, यह लोग जो है गलती जो किया है इस लेटर में, कि इस लेटर में किसी अधिकारी का लेटर सिग्नेचर ही नहीं है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ प्रबंध निदेशक का सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ पे किसी भी अधिकारी का सिग्नेचर नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप लोग खुद समझदार हैं फ्रेंड्स, सही गलत में क्या फ़र्क होता है आपको पता होगा। इस लेटर में फालतू लेटर है, इस तरह के लेटर से आप लोग हमेशा दूर रहें, किसी भी बात का विश्वास मत कीजिए। ठीक है, कोई भी मन में डाउट्स हो बेल्टन से रिलेटेड, आप बेल्टन ऑफिस का हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो आप बेल्टन के बहुत सारे नंबर है, किसी भी नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आपके पास बेल्टन के नंबर नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैं आपको टेलीग्राम में सारे नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, बेल्टन के सारे अधिकारी के नंबर मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, मैंने जब बेल्टन ऑफिस कॉल किया तो वहाँ पे मैम कॉल उठाई थी, तो वहाँ पे मैम काफ़ी बिजी थी, तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया और पूछा कि मैम क्या बेल्टन के न्यू रजिस्ट्रेशन निकली है, तो वहाँ से बोला गया ऐसा कोई अभी कोई अपडेट नहीं आया, और बोले कि अभी
जो लोग बचे हुए हैं पैनल में उन लोगों का पहले नियोजन होगा, ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आउट होगा। मैम जल्दी में थी, रिकॉर्ड नहीं कर पाया और इतना ही कह के उन्होंने कॉल काट दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह के फेक लेटर से हमेशा दूर रहें। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई जानकारी आपको चाहिए बेल्टन से रिलेटेड, तो आप फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल में हमेशा आपको जेन्युइन और सही जानकारी मिलेगा। इसीलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना फ्रेंड्स। और आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर। लोग यहाँ पे बेल्टन की तैयारी कर रहे हैं और उनके मन में डाउट्स जरूर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।